भाई हेल्थ चेकअप भाई पहली बार सुनना हूँ मैं। बाकी ये हो चुके हैं ऑन। सो रैप करना तगड़ा वाला रैप मार। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स फिलहाल मैं भी अपने घर पर और आज हम जाने वाले हैं R5 V4 मैट ब्लैक की सेकंड सर्विस के लिए। तो चलते हैं शोरूम और दिखाते हैं आपको कितना उसकी कॉस्ट आएगी और उसमें क्या क्या चेंज आने वाले हैं और उसमें क्या क्या अलग सामान डलेगा, कितने का खर्चा आता है, कितने का नहीं आएगा, वो सब इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहना, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको चैनल पर हमेशा देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं डायरेक्ट यामा के शोरूम पे, टिल देन टेक केयर। तो लो जी फ्रेंड्स आ गए हम अपने यामा के शोरूम में और अपनी गाड़ी खड़ी है उधर अंदर, सामने देख सकते हो ब्लैक कलर की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। और बाकी यहाँ पे अभी फॉर्म वगैरह एक फिल हुआ है जिसका सर्विस वगैरह का जो जॉब कार्ड बनता है वो बना है। बाकी चलते हैं अभी दिखाते हैं आपको सर्विस, गाड़ी लगने वाली है तो इसमें आपको इसके बाद बताएंगे हम। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कितनी सर्विस की कॉस्ट आएगी। भाई यहाँ पे जा रही है अपनी R15। तो भाई यहाँ पे लग रहा है अभी नॉर्मल वाला स्टैंड, जो कि हम घर पे पैडॉक वाला स्टैंड यूज करते हैं, देख सकते हो। ये देखो नॉर्मल वाला जो गाड़ी में आता है ना वाला स्टैंड, इसमें यूज हो रहा है। ये भैया अपनी V4 लग चुकी है। तो भैया ये है अपना मॉड्यूल का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल और इसकी जो कॉस्ट है मैं वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना और होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो ये ऑयल हम डलवाने वाले हैं, इसकी कॉस्ट आपको वीडियो के एंड में पता लगेगी। तो सर्विस होने वाली है फिलहाल स्टार्ट। तो भाई अभी आपको बताता हूँ मैं क्रैश गार्ड का डिसएडवांटेज। तो भाई ने जो क्रैश गार्ड इसमें लगवा रखे हैं ये देखो, भाई को ये खोलने पड़ रहे हैं, ये मेहनत लग रही है भाई की बहुत। भाई क्रैश गार्ड को भी खोलोगे? क्रैश गार्ड खोलेंगे यार, तभी तो उसमें होगा ना सर्विस वगैरह। एक बार ये चेक करो, पूरी नेकेड हो चुकी है भाई, कपड़े वपड़े सब उतार दिए इसके हमने, सॉरी हमने नहीं सर्विस वालों ने कपड़े वपड़े सब उतार दिए। इसका लुक देखो क्या आ रहा है, अब क्या से क्या हो गया। भाई फिर हो चुका है अपना एयर फिल्टर क्लीन और ये लगने वाला वापिस। फ्रेंड्स ये रहा ऑयल फिल्टर जो कि अब लगने वाला है। तो भाई जो ऑयल फिल्टर है हर सर्विस मैंडेटरी है।
इंसान है। रैप करना तगड़ा वाला रैप मान। तो भाई यहाँ पे अपनी जो R15 है या कंप्यूटर पे चेक होगी इसमें, मतलब क्या कमी है क्या नहीं है, जरा भाई से पूछेंगे इसमें ना, मतलब क्या क्या इसमें, इससे क्या होता है। मतलब टोटली बाइक का हेल्थ चेकअप होने वाला भाई, अब मजा आने वाला है। जरा फर्स्ट टाइम हो रहा है अपनी बाइक के साथ, तो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग इट बाइक हेल्थ चेकअप भाई, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बाकी ये हो चुके हैं ऑन सोनी मेक बिलीव। तो भाई ये सिस्टम होने वाला बड़ा कैड़ा। तो भाई यहाँ पे प्लग ऐड हो रहा है और इसे लगते ही अपनी पूरी गाड़ी की हेल्थ आ जाएगी इसमें। गाइस देखते हैं अपनी ब्लैक हॉक को कौन सी प्रॉब्लम निकलने वाली है। तो भाई यहाँ पे तो भाई ये हो गई अपनी कनेक्ट V4 मैट ब्लैक, जो कलर है अपना ये हो गया फुल्ली कनेक्टेड विद कंप्यूटर। अब इसमें पता लगेगा आपको कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमियां नहीं है। तो बेस्ट फीचर्स है यामाहा की तरफ से। तो भाई इसमें ना सब चीज आप दिखा रहे हो, बैटरी वोल्टेज कितना है और इसमें क्या क्या है, इंजेक्शन ड्यूरेशन बता रहा है और इग्निशन टाइमिंग बता रहा है, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें सब खुल के आ गए हैं। तो काफ़ी एक अच्छा फीचर्स है ये यामाहा की शोरूम में, कि मतलब जो अपनी गाड़ी कनेक्ट करके कंप्यूटराइज्ड द्वारा आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। तो अभी भाई से मतलब हम तो फिर भाई से पूछते हैं कि इसमें मतलब कौन सी कमी है कौन सी नहीं है। ओके राजे भैया, कोई कमी निकली इसमें? ओके तो भाई अपनी गाड़ी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जा रही है अपनी गाड़ी नहाने और तो भाई यहाँ पे हो चुकी है अपनी R15 V4 की फुल सर्विस। तो अब इसमें कितनी कॉस्ट आई है आपको बताने वाला हूँ, तब तक के लिए अपनी बाइक गई नहाने, जरा उसका सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। तो इसका सिनेमैटिक्स दिखा के आपको बता दूँ इसमें कितनी कॉस्ट आई है कितनी नहीं आई और क्या क्या इसमें चीज़ें लगी है। तो इसमें आपको बता दूँ मैं, एयर फिल्टर चेंज हुआ है और मॉड्यूल का इंजन वाले हम अपनी तरफ से लाए थे, जो कि आपने देख चुका है, मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है वो, तो उसके बारे में आपको पता ही लग गया। और अब बता दूँ इसमें कितनी कॉस्ट लगी हमारी सेकेंड सर्विस में। भाई यहाँ पे हो चुकी है अपनी बिलिंग, अब दिखा दूँ आपको हमारे कितना इसमें चार्ज आया है। भाई ये देखो हमारा जो लेबर चार्ज है, सेकंड चार्ज में लेबर चार्ज फ्री है। तो अभी हमारा इसमें ऑयल क्लीनर डला है ये 250 रुपये का जो मैं पड़ा, और बाकी कूलेंट पड़ा है हमें इसमें 100 रुपये का। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें हमें टोटल जो बिल अमाउंट बनाई 350 रुपये बनाए, और जो हमारा वो था क्या नाम, जो मैं मॉड्यूल का इंजन ऑयल आया था हमें 850 का पड़ा था, जो कि फुल्ली सिंथेटिक है। तो काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल है, तो आप अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो उनका ऑयल बेस्ट लगता है वो आप यूज़ करो। बाकी अकॉर्डिंग टू मी जो हमारे सारी कॉस्ट आई है इसमें, मतलब 350 मान लो और 850 वो आपके अराउंड 1200 रुपये में हमारी सेकेंड सर्विस कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब,
और बने रहना चैनल पे क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं ऐसे कोई अगली सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।